ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। संसद के अंदरूनी हिस्से की वीडियोग्राफी कर उसे सोशल मीडिया पर सार्वजनिक करने के मामले में लोकसभा की जांच समिति ने आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान को दोषी पाया है। बुधवार को समिति अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देकर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को सौंप देगी। 9 सदस्यीय समिति संसद की सुरक्षा से खिलवाड़ को लेकर मान के दोषी होने का एकमत है, लेकिन इसके लिए उन्हें सजा देने पर उनके एक राय नहीं बन पाई है। समिति ने सर्वसम्मति से पाया है कि मान द्वारा शेयर किए गए वीडियो से संसद की सुरक्षा की महत्वपूर्ण जानकारियां उजागर होती हैं और इन जानकारियों का इस्तेमाल देश विरोधी ताकतें और आतंकवादी संसद पर हमला करने में कर सकते हैं, लेकिन मान को सजा देने को लेकर उनमें मतैक्य नहीं बन पाया है। कुछ सदस्यों का कहना है कि मान को कम से कम एक दिन के लिए लोकसभा से निलंबित किया जाना चाहिए। अभिनेता आमिर खान की पत्नी किरण राव के 80 लाख से ज्यादा के गहने चोरी हो गए हैं। पुलिस ने शिकायतकर्ता सीएनएस राव से उन्हें फिर से घर पर ही तलाश करने के लिए कहा है। इस मामले में पुलिस पिछले 5 दिनों से आमिर और किरण के घरेलू सहायक, निजी सहायक, कुक व सुरक्षाकर्मी से पूछताछ कर रही है। सीएनएस राव किरण राव के पिता हैं। उन्होंने 24 नवंबर को खार पुलिस स्टेशन में एक पेज का शिकायती पत्र दिया था। इसके मुताबिक किरण राव के वांद्रा स्थित घर से हीरे जड़ित महंगे गहने चोरी हो गए हैं। इनकी कीमत 80 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच है। किरण ने ये गहने 27 अक्टूबर को पहने थे, फिर अपने बेडरूम की अलमारी में रख दिए थे। 23 नवंबर को एक कार्यक्रम में जाने के लिए उन्होंने इन गहनों की तलाश की, लेकिन उन्हें नहीं मिले। नोटबंदी के जरिए काले धन के खिलाफ अब भाजपा व्यक्तिगत छवि को आधार बनाकर मैदान में उतारने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को निर्देश दिया है कि नोटबंदी के दिन 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक के बैंक खाते की पूरी जानकारी पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को दें। ये पूरी जानकारी 1 जनवरी को देनी होगी। जाहिर है कि अब विपक्ष पर दबाव होगा। हालांकि पार्टी सांसदों की यह सुनिश्चित करने का बीड़ा सौंपा गया है कि अपने अपने क्षेत्रों में हर व्यापारी वर्ग को डिजिटल पेमेंट के बारे में समझाएं और विपक्ष की ओर से फैलाई जा रही अफवाहों को दूर करें। उन्हें अगले मंगलवार तक केंद्रीय नेतृत्व को इसकी जानकारी देनी होगी। नोटबंदी अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है और चाहे अनचाहे ये आगामी चुनावों में भी असरदार हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश सरकार की समाजवादी पेंशन योजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में अल्पसंख्यक वर्ग को 25% आरक्षण दिए जाने के नियम को असंवैधानिक घोषित कर रद्द किए जाने की मांग की गई है। कहा गया है कि संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका लखनऊ की एक गैर सरकारी संस्था हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन ने दाखिल की है। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने यह याचिका गत दिसंबर में खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की है। अभी याचिका पर सुनवाई की कोई तिथि तय नहीं हुई है। बिहार में आरजेडी भले ही सरकार में सहयोगी दल हो, लेकिन बिहार सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में साफ रुख कर दिया है कि उसे आरजेडी नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन और उस पर चल रहे 45 मुकदमे दिल्ली स्थानांतरित करने में कोई एतराज नहीं है। तेजाब कांड में दो बेटे और तीसरे को अदालत में गवाही से पहले खोने वाले चंद्र बाबू ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की है कि शहाबुद्दीन को बिहार के सिवान जेल से दिल्ली स्थानांतरित किया जाए और उस पर चल रहा मुकदमा भी बिहार से दिल्ली स्थानांतरित किया जाए। ऐसी ही मांग अलग याचिका दाखिल कर पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन ने भी कोर्ट से की है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ आज कल याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। तो फिलहाल के लिए खास खबर में बस इतना ही, और तमाम बाकी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार टाइम 24।